सिद्धार्थनगर के दौरे पर सीएम योगी, संचारी रोग नियंत्रण अभियान की सीएम योगी ने की शुरुआत। सिद्धार्थनगर में बोले सीएम योगी, संचारी रोगों के रोकथाम के लिए शुरू किया जा रहा अभियान, जनता से किया आह्वान, रोकथाम अभियान से जुड़े। सिद्धार्थनगर में सीएम योगी ने कहा, हेल्थ वर्कर्स की टीमें 30 अप्रैल तक जाएंगी घर घर, संक्रमण के तरीकों की जानकारी देंगी टीमें। नवरात्र के पहले दिन सीएम योगी ने की पूजा, बलरामपुर के देवीपाटन मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा। बलरामपुर में देवीपाटन मंदिर में पूजा करने के बाद गौ सेवा करने पहुंचे सीएम योगी। सीएम योगी ने गायों को खिलाया चारा। देशभर में आज से चैत्र नवरात्र का शुभारंभ, पहले दिन की जा रही है मां शैलपुत्री की पूजा, देशभर के मंदिरों में पूजा पाठ का माहौल। पीएम मोदी ने दी हिंदू नववर्ष की बधाई, ट्वीट कर लिखा, सभी को नए संवत्सर की शुभकामनाएं, विक्रम संवत आप सबके जीवन में नया उत्साह और नई उमंग लेकर आए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी हिंदू नववर्ष की बधाई, ट्वीट कर लिखा, हिंदू नववर्ष नव संवत्सर विक्रम संवत की सभी प्रदेशवासियों को बधाई। नवरात्र के पहले दिन सीएम योगी ने किया ट्वीट, लिखा, शक्ति स्वरूप जगत जननी मां भगवती जगदम्बा की उपासना पर चैत्र नवरात्र की सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदू नववर्ष की दी बधाई, ट्वीट कर लिखा, वर्ष प्रतिपदा और विक्रम संवत के शुभारंभ की आप सभी को हार्दिक बधाई। यूपी की सियासत में हलचल तेज, शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने को लेकर अटकलें, ट्विटर पर शिवपाल ने किया पीएम मोदी को फॉलो। पीएसपीएल प्रमुख शिवपाल यादव ने ट्विटर पर सीएम योगी को भी किया फॉलो, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को भी फॉलो किया। सिद्धार्थनगर से वाराणसी के लिए रवाना होंगे सीएम योगी, वाराणसी के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे सीएम योगी, दूसरी बार सीएम बनने के बाद पहला काशी दौरा है। वाराणसी में विकास कार्य और कानून व्यवस्था को लेकर सीएम की बैठक, 3 अप्रैल को वाराणसी पहुंचेंगे नेपाल के पीएम शेर बहादुर, काशी विश्वनाथ धाम में सीएम योगी के साथ करेंगे दर्शन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दो दिवसीय लखनऊ दौरा, व्यापारियों के साथ मुलाकात के साथ ही इंदिरानगर के माता मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। मिर्जापुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, नवरात्र के पहले दिन मां विंध्यवासिनी मंदिर में केशव प्रसाद मौर्य ने की पूजा। नवरात्र के पहले दिन चंपावत के पूर्णागिरी मंदिर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की पूजा, पत्नी गीता धामी संग सीएम ने की पूजा अर्चना। वाराणसी में नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़, शैलपुत्री के दरबार में भक्त लगा रहे हैं हाजिरी, आस्था के जनसैलाब में डूबी काशी। नवरात्र के पहले दिन कानपुर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, माता शैलपुत्री की पूजा करने मंदिरों में भक्तों की लगी भीड़। नवरात्र के पहले दिन प्रयागराज में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, मंदिरों में पूजा करने पहुंचे भक्त, सुबह से मंदिरों में भारी भीड़। नवरात्र के पहले दिन काशी के घाटों पर भक्तों की भीड़, मां ने श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, मां शैलपुत्री की हो रही है पूजा। आज से यूपी में फिर स्कूल कॉलेजों के बाहर तैनात हुआ एंटी रोमियो स्क्वाड, गृह विभाग को सीएम योगी का बड़ा आदेश, एडीजी स्तर के अधिकारी से लेकर थाना अध्यक्ष तक एक घंटे रोज करेंगे पेट्रोलिंग। फिरोजाबाद में भी सक्रिय हुआ एंटी रोमियो स्क्वाड, महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम, जिले में 24 टीमों को किया गया सक्रिय। प्रयागराज में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ पीडीए की कार्रवाई, अवैध प्रॉपर्टी प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर, जांच के बाद पीडीए की टीम ने की कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, अयोध्या में मंदिर और धर्मशाला से नहीं लिया जाएगा कमर्शियल टैक्स, यूपी विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी योगी सरकार।
अयोध्या में मंदिरों और धर्मशाला को नहीं देने होंगे टैक्स। योगी सरकार के फैसले से 8000 मठ और मंदिरों को मिलेगी राहत। महाराजगंज के सिसबा बाजार में ऑटोमोबाइल की दुकान से मोबाइल चोरी का फरार हुआ चोर, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। गाजियाबाद में कार के ऊपर चढ़कर नाचते युवक का वीडियो वायरल, एनएच पर कार खड़ी कर डांस कर रहे थे युवक। फर्जीवाड़ा कर बेचे गए भूखंडों का मामला, 13 में से एक प्लॉट में निरस्त, 12वीं की रजिस्ट्री होगी निरस्त। एलडी में फर्जीवाड़ा कर बेचे गए थे 13 प्लॉट। पुलिस ने अवैध शराब गिरोह का किया भंडाफोड़, 536 लीटर अवैध शराब, रैपर बारकोड बरामद, पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। रामपुर में बस ने बाइक को रौंदा, हादसे में मामा भांजे की मौत, रामपुर शाहबाद मार्ग पर रामगंगा पुल के पास हुआ हादसा। पिपली का मास्टरमाइंड आनंद नारायण चौहान गिरफ्तार, आनंद चौहान के साथ भी पुलिस की गिरफ्त में, इंटरमीडिएट की परीक्षा में अंग्रेजी का पेपर हुआ था लीक। अंग्रेजी के पेपर लीक मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई, यूपीएसटीएफ कर रही है गिरफ्तारी, अब तक 34 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार, सभी को भेजा गया जेल। ग्रेटर नोएडा में खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान, खुले में शराब पीते हुए 30 लोगों को पकड़ा। जौनपुर के मछली शहर में घर में लगी भीषण आग, आग में जलकर गाय और बछड़े की मौत, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। आज फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम में 80 पैसे की बढ़ोतरी, 22 मार्च से अब तक 7 रुपए 20 पैसे महंगा हुआ है डीजल पेट्रोल। ताजनगरी आगरा पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़, परिवार के साथ फतेहपुर सीकरी का किया भ्रमण, चिश्ती की दरगाह पर किया सजदा। चौरी चौरा कांड में पुलिस ने उपद्रवियों का पोस्टर किया चस्पा, 1000 का मिलेगा इनाम, चौरी चौरा में शहीद जवान धनंजय यादव की मौत के बाद हुआ था उपद्रव। संभल में चलते झूले में करंट आने से 50 फीट की ऊंचाई से गिरा युवक, नीचे खड़ी युवती के ऊपर गिरा युवक, हादसे के बाद मेला परिसर में मची अफरा तफरी। बीजेपी एमएलसी उम्मीदवार ब्रजेश सिंह पर सुदामा पटेल का बड़ा आरोप, कहा काशी में है डर का माहौल, लोगों को धमका रहे हैं ब्रजेश सिंह, कार्यकर्ताओं को ब्रजेश सिंह से लग रहा है डर। मुजफ्फरनगर में शातिर ट्रक चालक गिरफ्तार, ट्रक से 75 लाख रुपए की 40 टन फेरी सिलिकॉन का माल बरामद। बिजनौर में जन्मदिन पार्टी के दौरान चली गोली, जश्न का माहौल मातम में हुआ तब्दील, गोली लगने से एक बच्चे की मौत। मुजफ्फरनगर के एसपी ने की पुलिस क्रिकेटर एकेडमी की शुरुआत, क्रिकेट एकेडमी में पुलिस कर्मियों के बच्चे लेंगे क्रिकेट की ट्रेनिंग। फतेहपुर में पुलिस ने किया बाइक चोर गैंग का खुलासा, चोरी की 12 बाइक के साथ 2 सगे भाई गिरफ्तार। अवैध शराब कारखाने पर पुलिस का छापा, मुर्गा फार्म की आड़ में चल रहा था अवैध शराब का धंधा। जौनपुर में पुलिस ने गैंगस्टर लूट के आरोपी को किया गिरफ्तार, अवैध असलाह और 1 किलो गांजा आरोपी से बरामद किया। पीएम मोदी को जान से मारने की मिली धमकी, एनआईए की मुंबई ब्रांच को मिला धमकी भरा ईमेल। कश्मीर में 32 साल बाद लौटी नवरेह की रौनक, आज शारिका पीठ में कश्मीरी पंडित करेंगे पूजा पाठ, आरएसएस कार्यकर्ताओं को संघ प्रमुख करेंगे संबोधित। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने यूएपीए कानून को खत्म करने की उठाई मांग, कहा कानून का हो रहा दुरुपयोग, बेवजह गिरफ्तार किए जा रहे हैं लोग। भारत नेपाल के बीच आज से शुरू होगी पहली रेल सेवा, वर्चुअली उद्घाटन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। जांच एजेंसियों को लेकर सीजेआई ने की टिप्पणी, कहा एजेंसियों को एक छत के नीचे लाने के लिए बने अलग संस्था, जिससे जांच ना हो प्रभावित और बचे समय। भारत के साथ 15वें दौर की बातचीत पर बोला चीन, सकारात्मक और रचनात्मक रही बातचीत, अमेरिका की टिप्पणी पर जताई नाराजगी। सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर तोड़फोड़ के मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की, दिल्ली पुलिस से 2 हफ्ते में मांगी स्टेटस रिपोर्ट।
गुजरात में आम आदमी पार्टी का मिशन विधानसभा आज दो दिनों के दौरे पर जाएंगे केजरीवाल और भगवंत मान विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर करेंगे चर्चा। दिल्ली में शराब की कीमतों में एक बार फिर छूट मिलनी शुरू, दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग की ओर से आदेश जारी। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और नेपाल के पीएम शेर बहादुर के बीच हुई मुलाकात, संयुक्त रूप से नेपाल में रुपए किया लॉन्च। भारत और नेपाल के बीच ट्रेन सेवाओं का उद्घाटन, पीएम मोदी और नेपाल के पीएम शेर बहादुर ने किया उद्घाटन। बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था तक चलेगी ट्रेन। पीएम मोदी ने कहा नेपाल और भारत के रिश्ते पुराने हैं, दोनों देशों के बीच सुख दुख के रिश्ते, मेड इन इंडिया उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर वर्चुअल हस्ताक्षर समारोह, कई अहम समझौतों पर बनी सहमति। ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्चुअल हस्ताक्षर पर बोले पीएम मोदी, समझौते से सप्लाई चेन बढ़ेगी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता में कर पाएंगे योगदान। कोरोना वैक्सीन को लेकर रूस की वैक्सीन कंपनी स्पुतनिक की बड़ी सफलता, दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन बनाई, रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। पाकिस्तान में इमरान खान का इस्तीफा देने से इनकार, कहा मेरी तकदीर का फैसला आवाम तय करेगी, रविवार को संसद में होने वाली है वोटिंग। इमरान खान ने कहा पाकिस्तान का फैसला रविवार को होगा, जो भी नतीजे होंगे इस्तीफा नहीं दूंगा, आखिरी गेंद तक खेलूंगा। साथ छोड़ने वाले सांसदों पर बरसे इमरान खान, समर्थन वापस लेने वाले सांसदों की तुलना मीर जफर से की। पाकिस्तान की संसद में दिखा अनोखा नजारा, विपक्षी सांसदों ने गो इमरान गो के नारे लगाए, गो नियाजी गो के भी लगे नारे। इमरान की पूर्व पत्नी रेहम खान का तंज, इमरान और नवजोत सिंह सिद्धू की फोटो ट्वीट कर कहा अब कपिल शर्मा के शो में ही है चांस। रेहम खान का इमरान खान पर निशाना, कहा खान साहब का करियर खत्म, दोनों भाई मिलकर मैच की करेंगे कमेंट्री। पाकिस्तान में पीएम की कुर्सी से इमरान को हटाने की दुआ, बिलावल भुट्टो समेत पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर दुआ की। रूस और यूक्रेन के बीच 38वें दिन भी भीषण जंग जारी, यूक्रेन के 25 से ज्यादा शहरों में रूसी सेना का हवाई हमला जारी। जंग के बीच रूसी फौज पर यूक्रेनी सेना का हमला, रूस की दूसरी पीढ़ी के टैंक BMP-2 को किया बर्बाद। यूक्रेन के बेलगोरोड में दोनों देशों की सेना के बीच जंग जारी, बेलगोरोड के आसमान पर लगातार मंडरा रहे हैं यूक्रेनी हेलीकॉप्टर। भीषण युद्ध के बीच रूसी सेना पर यूक्रेनियन लड़ाकों का पलटवार, रूस के आधुनिक हथियारों से लैस टैंक को कब्जे में लिया। जंग के बीच यूक्रेन के होस्टोमेल एयरपोर्ट की ड्रोन से ली गई तस्वीरें, रूसी सेना के यहां से जाने के बाद की तस्वीर। यूक्रेन ने रूसी सेना से वापस छीना इरपिन, बमबारी से तबाह हो चुका है आधा शहर, इरपिन में करीब 300 नागरिक मारे गए। राजधानी कीव में आने वाले दिनों में बड़ी जंग की तैयारी, कीव के आसपास रूसी फौज जंगी साजो सामान के साथ मौजूद। यूक्रेन के बेलगोरेड में तेल डिपो को निशाना बनाकर हमला, रॉकेट हमले से ऑयल डिपो में लगी आग। कीव में यूक्रेनी सेना का हमला, रूस के दो टैंकों को तबाह किया, चर्च के पास दिखे रूसी सैनिकों के शव। कीव में यूक्रेनी सेना का पलटवार, कीव के बाहरी इलाकों में रूस के कई टैंकों को किया तबाह। रूस के हवाई हमलों से खंडहर में तब्दील हुए यूक्रेन के कई शहर, मारियोपोल से आई ताजा तस्वीरों में दिखा तबाही का मंजर। यूक्रेन के गोस्टोमेल में बीते एक महीने से भीषण जंग जारी, रूसी सेना के हमलों से शहर में भारी तबाही। यूक्रेन जंग के बीच पश्चिमी देशों को पुतिन की धमकी, कहा गैस के बदले रूबल में देने होंगे पैसे, यूरोप को 40% गैस सप्लाई शुरू से रूस से, ठंड से लाखों लोगों के मरने का डर। यूक्रेन के मारियोपोल शहर में रूस का संघर्ष विराम, फंसे नागरिकों को निकालने की कोशिशें हुई तेज।
यूक्रेन की राजधानी कीव में गोलीबारी जारी। कीव में लगातार सुनाई दे रही है गोलीबारी की आवाज। कीव में नजर आ रहे हैं रूस की सेना के ड्रोन। कीव में कहर मचाने को चेचन्या के लड़ाके तैयार। कीव की सड़कों पर चेचन्या स्पेशल फोर्स की सैन्य वाहनों का काफिला। रूसी सेना पर यूक्रेन का हमला। घात लगाकर हमले में रूस को नुकसान। युद्ध में यूक्रेन की सेना का दिखा हौसला। जंग में उतरे रूसी के A-52 हेलीकॉप्टर। यूक्रेन के बख्तरबंद वाहनों को बना रहे निशान। मिकोलेव में यूक्रेनी नागरिकों के हालात बदतर। लोग चर्च में रहने को मजबूर। कई परिवारों ने चर्च में ली शरण। यूक्रेनी सैनिकों ने पत्रकारों का बनाया निशाना। पूर्वी मारियुपोल में यूक्रेनी सैनिक पत्रकारों पर गोलीबारी करते दिखे। जेलेंस्की का रूस पर बड़ा आरोप। कहा रूस डोनबास पर बड़े हमले की तैयारी में है। साथ ही कहा कीव में यूक्रेनी सेना रूस को दे रही जवाब। पुतिन के नए आदेश से यूरोप में हड़कंप। अब गैस के लिए रूबल में पेमेंट लेगा रूस। रूस के हमले से खंडहर में तब्दील हुआ यूक्रेन का स्कूल। हर तरफ दिखाई दे रहा है मलबा। किम जोंग को लेकर अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट से बड़ा खुलासा। किम जोंग कर सकता है अंडरग्राउंड परमाणु टेस्ट। जासूसी सैटेलाइट की मदद से हेमयोंग प्रांत के किलजू में नई सुरंगों का पता लगाया गया। किलजू में नॉर्थ कोरिया पहले भी कर चुका है परमाणु परीक्षण। ओडिशा के समुद्र तट पर हजारों की संख्या में दिखे लुप्त प्राय कछुए। अंडे देने के लिए इकट्ठा हुए ओलिव रिडले प्रजाति के कछुए। एक दिन में देते हैं करीब 40,000 अंडे। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। फटाफट से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। दिल्ली में मुलायम सिंह से मिले हैं अखिलेश यादव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मुलायम सिंह यादव से मिले हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव और संरक्षक समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव से उन्होंने राजधानी दिल्ली में मुलाकात की है। शिवपाल यादव की नाराजगी खबरों के बीच ये मुलाकात बेहद अहम मानी जारी है। थोड़ी ही देर में लखनऊ रवाना होंगे अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव ने पिता और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मुलाकात की है। मुलाकात के थोड़ी ही देर बाद वो लखनऊ के लिए वापस रवाना भी हो जाएंगे। ये मुलाकात देखिए एक ऐसे वक्त पर हुई है जब लगातार सियासी गलियारों में शिवपाल सिंह यादव के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो रही हैं। लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। सियासी गलियारों में शोर गूंज रहा है कि शिवपाल सिंह यादव जो कि यादव परिवार से भी जुड़े हैं प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और शिवपाल सिंह यादव यादव समाज में भी एक अहम भागीदारी रखते हैं। उनकी अटकलें सबसे ज्यादा तेज हो रही हैं बीजेपी में शामिल होने की। और इस पर अधिक जानकारी के लिए जी मीडिया रिपोर्टर अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत बेहद अहम मुलाकात ये, क्या ये माना जाए कि अखिलेश और मुलायम सिंह यादव के बीच शिवपाल सिंह यादव को लेकर चर्चा हुई है? देखिए बिल्कुल चर्चा हुई होगी क्योंकि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की उस बीच मुलाकात हुई है मुलायम सिंह यादव से अखिलेश की जब शिवपाल सिंह यादव नाराज हैं। और आज जब वो अपने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पर दफ्तर पर पहुंचे तो हमारे रिपोर्टर शुभम ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्विटर पर फॉलो किया। यानी शिवपाल सिंह यादव की तरफ से संकेत साफ है कि अब वो भतीजे के साथ नहीं जाने वाले। इसके पहले शिवपाल सिंह यादव ने दिल्ली में मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की थी, आशीर्वाद लिया था। अपर्णा यादव ने मुलाकात किया था। यानी नेताजी का आशीर्वाद किस पर है? क्योंकि अपर्णा से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा था कि हम नेताजी से आशीर्वाद लिया था और उन्होंने कहा जिसको जो जहां जाना चाहे विचारों की अभिव्यक्ति है वो जा सकता है। तो अब अखिलेश यादव की आज मुलायम सिंह यादव से मुलाकात हुई है। अब वो थोड़ी देर बाद दिल्ली से लखनऊ रवाना होंगे और इधर शिवपाल यादव अपना जो सियासी शतरंज है उसे बिछा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, कई और नेताओं से मुलाकात की, कहा है भी जा रहा कि जब वो दिल्ली थे तो बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की। तो ये मुलाकात काफी अहम होगी क्योंकि आपने अजीत मैं लौटूंगी आपके पास। जब्बार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली में मौजूद है जब्बार। जब्बार दिल्ली में ये मुलाकात हो रही है और बेहद अहम ये मुलाकात क्योंकि एक ऐसे वक्त पर मुलाकात हो रही है जब शिवपाल सिंह यादव को लेकर लगातार अटकलें तेज हो रही है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि शिवपाल सिंह यादव के आगे के जो रास्ते हैं और जिस एक के बाद एक जो संकेत मिल रहे हैं
शिवपाल यादव की तरफ से, उससे ये तो साफ जाहिर होता जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी से दूरी का न सिर्फ रास्ता बना रहे हैं बल्कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शामिल होने के लिए रास्तों में जो पत्थर हैं वो उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एक बेचैनी इस वक्त है समाजवादी पार्टी के अंदर, और इसी बेचैनी के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने पिता और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है। दिल्ली में आज ये मुलाकात हुई है। माना ऐसा जा रहा है कि अब आगे की रणनीति क्या होगी, आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या मान मनोबल का कोई सिलसिला चलेगा या फिर समाजवादी पार्टी दरअसल या फिर अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि शिवपाल सिंह यादव पार्टी को छोड़ करके चले ही जाएं, क्योंकि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के रहने से अखिलेश यादव को कितना फायदा है शिवपाल सिंह यादव के रहने से, या फिर शिवपाल सिंह यादव अगर समाजवादी पार्टी में नहीं होते हैं तो उसका नुकसान ज्यादा है या फिर फायदा ज्यादा है। ये दो ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव न सिर्फ सोच रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, बल्कि बिल्कुल जब आज जिस नफा नुकसान की आप बात कर रहे हैं, वाकई में देखना होगा कि शिवपाल सिंह यादव अगर चले जाते हैं बीजेपी में तो समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान होगा या फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपर्णा यादव पहले ही जा चुकी है, यादव घराने की बहू है। अब अगर ऐसे में शिवपाल सिंह यादव जो इस वक्त चुप्पी साधे हुए हैं वो भी अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो बड़ी खबर ये हो जाएगी। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।